सनातन शिक्षा में निपुण आचार्य डॉक्टर जनार्दन पांडे ने आज पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा से लेकर अपने सनातन शिक्षा के बारे में मीडिया से जानकारी साझा की। आपको बता दें, आचार्य डॉक्टर जनार्दन पांडे अपने प्रयासों में गहन आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं, जो सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के उनके प्रयास में एक मार्गदर्शन शक्ति के रूप में कार्य करता है। पूरे देश का व्यापक भ्रमण करने के बाद आचार्य डॉक्टर जनार्दन पांडे विभिन्न स्तरों पर विविध आध्यात्मिक आवश्यकताओं को गहराई से समझते हैं। उनकी वैश्विक पहुंच में लंदन, मॉरिशस, शिकागो, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जापान के साथ जर्मनी और स्विट्जरलैंड के साथ ही डेनमार्क और रूस भी शामिल है। मैं आचार्य जनार्दन, मेरी शिक्षा वाराणसी से हुई। काशी नगरी में ही मैंने संस्कृत की पढ़ाई किया और साथ साथ धर्म शास्त्र से लेकर के दार्शनिक और ज्योतिष विद्याओं का मैंने अध्ययन किया। वहाँ पर जो है मेरे मन में एक अवधारणा थी बचपन से ही कि जो हमारा सनातन है, जो शाश्वत है, सत्य है, निरंतर है और वैश्विक स्तर पर इससे परे कुछ भी नहीं है, तो इसके विषय में मैंने काफी अध्ययन किया। जो प्राचीन हमारी विद्याएं थी, जो आधुनिक परिवेश में तथाकथित उस पर यह कह सकते हैं कि चंद्रमा और सूर्य पर जैसे ग्रहण लगता है वैसे स्थिति हो गई है, और गुरुकुल परंपरा, ऋषि कुल परंपराएं जो थी हमारी वो बदल करके और आधा अधूरा अर्ध ज्ञान की स्थिति आ गई है। तो मैंने काशी में जो है गुरुकुल परंपरा से भी अध्ययन किया और वहीं से मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य की शिक्षा लिया, पीएचडी किया, डीलिट किया, एलएलबी एलएलएम की भी पढ़ाई किया और नेट क्वालिफाई किया वहाँ से। उसके बाद मैं, मेरा जो है आध्यात्मिक रुझान जो है बचपन से रहा है। मैं पहली कथा अपनी 5 वर्ष की अवस्था में किया था और तब से अब तक निरंतर लोगों के बीच में राम कथा और भागवत कथा श्रवण करा रहा हूं। जहां तक ज्योतिष शास्त्र का प्रश्न रहा, तो शास्त्र में ज्योतिष को चक्षु कहा गया है, आंख, मार्ग निर्देशन के रूप में कि हम अपने भविष्य को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस पर मैंने काफी अध्ययन किया और मैंने विशेष रूप से साउंड एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च किया है। अब लोगों को आश्चर्य लगता है कि ये साउंड एस्ट्रोलॉजी क्या है, डेट ऑफ बर्थ, बर्न टाइम, बर्न प्लेस, इसके माध्यम से तो लोग कुंडली बनाते हैं। हस्त रेखा, मस्तिष्क रेखा, पांव की रेखा, प्राण वायु, इसके साथ साथ गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष के माध्यम से लोगों के विषय में कुंडली बना करके लोग बताते हैं। प्रश्न उठता है कि यह साउंड एस्ट्रोलॉजी क्या है और यह ध्वनि पर कैसे आधारित है। तो मैं यहां आप लोगों को एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि संसार में हम जो भाषा बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, अगर किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाए कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो आज के आधुनिक होड़ और आधुनिक परिवेश में सारे के सारे लगभग लोग भूल चुके हैं कि इसकी उत्पत्ति का कारक कौन था और ये कहां से आया और कैसे ये सारे वेद, पुराण, उपनिषद, ज्योतिष, धर्म, साइंस, विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं और विश्व में जितनी भी चीजें पढ़ाई जाती हैं, इसके उत्पत्ति के कारक देवाधिदेव महादेव भगवान शिव रहे हैं। संस्कृत में ऐसा वर्णन है, श्लोक आता है कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ठक्का नवपंच बारम उद्धर तुकाम सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। इस संस्कृत के श्लोक का अर्थ है कि भगवान शिव ने जब तांडव नृत्य किया तो नृत्य के समय नवपंच बारम, 9 और 5 बार उन्होंने डमरू वादन किया, तो उसमें से 14 महेश्वर सूत्र निकले और उसमें जितने भी ऋषि लोग थे, ऋषि मनीषी लोग, ये अब की भाषा नहीं है, ये सतयुग से चली आ रही है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और हम लोग इस कलयुग में बैठे हुए हैं। तो जो डमरू का उन्होंने वादन किया उसमें 14 महेश्वर सूत्र निकला। और 14 महेश्वर सूत्र क्या है? अयुण रिलरी के ओं अयौ छायवरट लण यम गणनम झबय गर्दस जब गर्दस कपचटट चट्टो कपय सक्सर अल। इसके ही ध्वनि पे आधार पर ये चीजें आई
और वहां से वांग्मय संस्कृत से लेकर के संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई, और संस्कृत भाषा के ही उसमें जो है वेद पुराण उपनिषद धर्म शास्त्र ज्योतिष न्याय से लेकर के विश्व में ये जितनी भाषाएं लोग बोल रहे हैं, और हमारी संस्कृत जब टूटी तो उसी में से आपको लैटिन शब्द प्रयोग हुआ, इंग्लिश आया, फ्रेंच आया, जर्मन आया, विश्व की कोई ऐसी भाषाएं नहीं है जो कि वांग्मय हमारे संस्कृत से न जुड़ी है। उसके उत्पत्ति का मूल कारक भगवान देवाधिदेव महादेव शिव हैं और उनके डमरू ध्वनि से निकला हुआ एक शास्त्र है, उसी शास्त्र में से निकला हुआ ये ध्वनि पर आधारित ज्योतिष है। स्वामी जी आपको कितना समय हो गया ये पूरा प्रैक्टिस करते हुए साउंड? देखिये इस मेरे खानदान और मेरे परिवार में सारे लोग कानून के पंडित रहे हैं, मैं पहला ऐसा अपने परिवार का व्यक्ति हूँ जो ये सारी विधाओं को छोड़ करके आध्यात्म की तरफ आया हूँ, और ये मुझे बाल्यकाल बचपन से गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर की कृपा है। कई होता है कि लोग जो है गुरुकुल में जा करके उसमें अध्ययन करते हैं तो शिक्षा डिफरेंट रही है, पर इसे ईश्वरीय देन रहा और बाद में मैंने अध्ययन किया इस चीजों का। तो स्वामी जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति की वाणी से आप उसको भविष्य बता देते हैं? हाँ बिल्कुल, उसके विषय में उसका व्यक्तित्व उसका चरित्र सब कुछ उसको जो है बोध हो जाता है। ये मेरा कथन नहीं है, यह भगवान शिव देवाधिदेव महादेव जहां से संपूर्ण विश्व में सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है वहीं से ध्वनि शास्त्र भी उत्पन्न हुआ है। पहली बार सुनने को मिल रहा है कि ध्वनि से आप जो है भूतकाल भविष्य और वर्तमान के बारे में बता सकते हैं, ऐसा पहली बार सुनने को लोगों देखने को मिलेगा, आप ये बताइए ये संभव कैसे है? संभव इसलिए है कि यदि किसी व्यक्ति से हम पूछते हैं कि आकाश कहाँ है तो लोग आसमान की तरफ ऊपर की तरफ देखते हैं, उधर तो बादल है प्रकृति के उसमें माध्यम देखेंगे। तो शास्त्र में बताया गया कि शब्दगुण कमाकाशम आकाशम भवति, जहां जहां ध्वनि है वहां आकाश है, और हमारी ये जो शरीर है ये पंच तत्व की शरीर है। तो जब हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी तत्व प्रवाहित होता है काम करता है तो मनुष्य के काम बनते हैं, और जब आकाश तत्व प्रवाहित होता है तो मनुष्य का काम रुक जाता है, उस क्षणों तक नहीं बनता है। तो ये जो हम शब्द बोल रहे हैं, कुछ भी हम क्रिया कर रहे हैं, ये पहले से ही ये आकाश में विराजमान है, और वो चलता कैसे है, आकाश की जो है उत्पत्ति कहाँ से, वो ध्वनि शास्त्र पर है। तो हम कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम अपने मस्तिष्क में किसी चीजों को खोजते हैं या सोचते हैं तो वह भी ध्वनि से ही कनेक्ट होता है, क्योंकि ये जो ध्वनि है बाहर में है संगीत के माध्यम से, या हम बोलते हैं हम चलते हैं तो सुनाई देता है लोगों को कि वो चल रहा है, वो संगीत गा रहा है, वो कोई स्पीच दे रहा है, कोई क्रिया कर रहा है। लेकिन अगर मनुष्य एकांत शांत में भी बैठा हुआ है तो श्वास की गति तो उसकी चल रही है, और जो श्वास की गति चल रही है तो उसके माध्यम से उसके मस्तिष्क में वो तो बैठा हुआ तो है नहीं, कुछ न कुछ क्रिया कर रहा है। तो ये कोई माइंड रीडिंग या उससे संबंधित शास्त्र नहीं है, ये शास्त्र जो है हमारा पुरातन है, सनातनीय है, और ये भगवान शिव और शक्ति के द्वारा उत्पन्न किया गया है। बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो जिस तरीके से लोगों को बताते हैं, सबसे बड़ा चीज ये है कि आदमी को साधना किसी के हनुमान जी के रूप में होते हैं, किसी की माँ दुर्गा होती है, किसी की काली होती है, किसी के शिव होते हैं, किसी के अपने गुरु होते हैं। तो ये हमारा जो सनातन परंपरा रहा है, गुरुकुल परंपरा रहा है, हमारे यहाँ प्राचीन समयों में जो गुरुजी लोग हुआ करते थे उनकी जो साधना होती थी तो वो बाद में ट्रांसफर कर देते थे अपने शिष्य को, तो उनके अंदर जो ज्ञान होता था वो सरस्वती के माध्यम से ग्रह नक्षत्र देखते थे और उसमें से उन शिष्यों को निकाल के लाते थे, और लाने के बाद में उसे वो सारी की सारी विद्या जो है प्रदान कर देते थे। तो लोग कहते थे कि ये उस गुरु का शिष्य है और उसे ये विधा में वो पारंगत है। जैसा कि आधुनिक परिवेश में आज भी आप देख सकते हैं कि कोई अगर संगीत साधक व्यक्ति है और संगीत की साधना करता है तो लोग बोलते हैं कि ये इस घराने का विधा गा रहा है, वो उस गुरु से सीखा है, तो उसके अंदर उसके गुरु की झलक दिखाई दे रही है, उसके गुरु का राग दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही ये हमारा जो पुरातन शास्त्र रहा है ये अनादिकाल से उसमें वो गुरु अपने साधना के माध्यम से उसको ट्रांसफर कर देते थे। एक उदाहरण और आपको देना चाहूंगा कि बाबर और हुमायूं का उम्र ट्रांसफर हुआ, तो हमारे यहाँ राजाओं महाराजाओं से लेकर के उम्र ट्रांसफर की भी विद्या है, जो आधुनिक परिवेश में आप ये कह सकते हैं कि कोमे में चली गई है, या उसके बताने वाले आचार्य की कमी हो गई है, या उतना साधना लोग नहीं कर रहे हैं,
तथा कथित जो है साधनाओं के माध्यम से ही अपना काम चलाने के प्रक्रिया में लोग आते हैं और उसका जो भी उससे किंचित लाभ मिलता है तो लाभ लेकर के वो वहीं तक उनकी साधना रुक गई है। ये अथाह है, असीमित है, इसमें जो जितना साधना के माध्यम से ढूंढेगा उसे उतना प्राप्त होगा। और जो सतयुग में विद्याएं थी, जो द्वापर में थी, त्रेता में थी, वो कलयुग में भी विद्याएं हैं, वहां तक लोगों के साधना जिसकी जितनी पकड़ होगी उसके अनुसार से भविष्य वाचन करेगा, अपने शिष्यों को या अपने भक्तों को बता सकता है। स्वामी जी का अंतिम सवाल क्या लग रहा है कि आने वाले समय में आप भी अपना दिव्य दरबार लगाएंगे, क्या आपको भी धुनी बाबा का टाइटल मिलेगा? नहीं, हमको न दरबार लगाने की आवश्यकता है, न हमको धुनी बाबा बनने की आवश्यकता है। हमारा बस एक ही उद्देश्य है इस विद्या और शास्त्र के माध्यम से कि हमारे जो युवा युवती भारत भूमि और संपूर्ण विश्व में वैश्विक स्तर पर जितने भी लोग हैं, हमारा जो अखंड भारत सत्य सनातन और जो हमारे ऋषिकुल परंपरा के साथ साथ गुरुकुल परंपराएं जो थी और जो हमारे ऋषि मनीषियों ने पूर्वजों ने जो अनुसंधान करके हमें जो शास्त्र वेद दिया है वो पुनः लोग जाने और उसकी वास्तविकता को समझें, अवास्तविक में न जिए, भ्रमात्मक स्थिति में न जिए, न ही किसी प्रकार के कोई व्यक्ति के भ्रम फैलाने में आए, जो सत्य है वास्तविक है उसकी साधना करें और उसके माध्यम से खुद अनुभव करें और अन्य लोगों को भी उसका अनुभूति और अनुभव। गुरुजी लोकसभा का चुनाव चल रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।